सो गाइस, आप लोग भी मेरी तरह ही फ्री फायर इंडिया को डाउनलोड करने का वेट कर रहे थे, लेकिन गाइस कल जो हमारा फ्री फायर इंडिया है वो प्ले स्टोर में लॉन्च ही नहीं हुआ। मेरे साथ अन्याय हुआ है। आपको भी लग रहा है मेरे साथ अन्याय हुआ है, बट जो भी हुआ है आप सभी के लिए अच्छे के लिए हुआ है। सो अब हमारा फ्री फायर इंडिया कब लॉन्च होगा, इसका नेक्स्ट लीड डेट क्या रहने वाला है, वो भी आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आप लोग को हमारे फ्री फायर के अंदर साइकिल भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो। सो क्या सच में फ्री फायर इंडिया में आपको साइकिल देखने को मिलने वाली है, और क्या हमारा जो धोनी क्रिकेटर है वो आप लोग को फ्री में मिलने वाला है थाला कॉलेब इवेंट के अंदर से, वो भी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, हमारा जो थाला कॉलेब इवेंट आ रहा है उसके अंदर आप लोग को बहुत ही काफी सारे फ्री रिवॉर्ड देखने को मिलने वाले हैं। हमको सिखा रहा है। और फ्री फायर इंडिया कब लॉन्च होने वाला है उसका भी कंफर्म डेट आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, अभी के टाइम में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि वी मिस ओल्ड फ्री फायर, हमको फ्री फायर के पुराने दिन अच्छे लगते थे, नए दिन अच्छे नहीं लग रहे हैं। सो अगर आप लोग भी पुराने दिन के मजे लेना चाहते हो तो मेरे पास एक ट्रिक है, ये हुई ना बात, जिसको यूज करके आप लोग फ्री फायर के ओल्ड डेज में जा सकते हो, फ्री फायर की पुरानी यादों का मजा ले सकते हो। सो अगर आप लोग भी फ्री फायर के ओल्ड डेज का मजा लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप लोग क्लिक करना, आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग कैसे फ्री फायर के ओल्ड डेज का मजा ले सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर इंडिया के बारे में, जिसका लॉन्च डेट यहाँ पे 5 सितंबर रखा गया था, लेकिन जो फ्री फायर इंडिया है उसका लॉन्च यहाँ पे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है फ्यू वीक्स के लिए। तो आपको तो पता ही है, 4 तारीख को शाम को गरे ने एक पोस्ट करके बताया था कि इंडियन सर्वर से हमको बहुत अच्छा एंगेजमेंट मिल रहा है, तो उससे मेरा क्या फायदा। और फ्री फायर इंडिया को लगभग 400 मिलियन लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन किया था, और गरे ने दोस्तों जो सर्वर बनाया था वो सिर्फ 40 मिलियन यूजर पर डे का था, बट गाइज यहाँ पे जो प्री रजिस्ट्रेशन आए हैं वो है 400 मिलियन यूजर के। सो इस वजह से गाइज यहाँ पे फ्री फायर इंडिया के लॉन्च को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, क्योंकि गरे ने जो सर्वर बनाया वो 40 मिलियन का है, और एकदम से 400 मिलियन लोग गेम को डाउनलोड करेंगे तो सर्वर तो क्रैश होना ही होना है, और फ्री फायर इंडिया का बहुत ज्यादा नुकसान भी होना था। इसलिए गाइज यहाँ पे फ्री फायर इंडिया के लॉन्च को जो है पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई कर देना था, अगर लॉन्च कर भी देते तो सर्वर क्रैश हो जाता, आपका गेम ही नहीं चलता, फ्री फायर इंडिया को भी लॉस हो जाता। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं, मेन रीजन ये भी है कि गरे ने सोचा था कि 5 तारीख तक हम लोग जो फ्री फायर मैक्स का डाटा है फ्री फायर इंडिया में शिफ्ट कर देंगे, तो वो भी यहाँ पे नहीं हो पाया है। इसलिए गाइस आप लोग को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। गरेना यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस अच्छा देना चाहता है कि जब हम लोग गेम को लॉन्च करें तो आप लोग को गेम में कोई भी ग्लिचेस वगैरह ना देखने को मिले, क्योंकि अगर इतने ज्यादा यूजर आएंगे तो गेम भी अटक अटक कर चलेगा, और ये भी हो सकता है कि गेम ही ना चले। इसलिए गाइस गरेना थोड़ा सा और टाइम मांग रहा है, जैसे ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है हमारा जो फ्री फायर इंडिया है वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, जैसे ही हमारा फ्री फायर इंडिया लॉन्च होता उसके कुछ दिन बाद ही आप लोग को FFIC का टूर्नामेंट भी देखने को मिलने वाला था, बट अभी फ्री फायर इंडिया ही लॉन्च नहीं हुआ है, जिसके चलते गाइस यहाँ पे फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप जो था उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा डिले कर दिया जाएगा। और बहुत सारे इवेंट आने वाले थे दोस्तों फ्री फायर इंडिया लॉन्च के साथ, उन इवेंट को भी अभी डिले कर दिया गया है। जैसे अभी 7 तारीख को आने वाला था, तो अभी अपना जो फ्री फायर का चैंपियनशिप है दोस्तों वो आप लोग को इस महीने के 25 से फिर 26 तारीख तक देखने को मिल सकता है। और आपको तो पता ही है, जब भी हमारे फ्री फायर में कोई बड़ा चैंपियनशिप का टूर्नामेंट आता है आप लोग को लाइव वॉचिंग माइलस्टोन के रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं। सो इस बार भी आप लोग को लाइव वॉचिंग रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। अभी क्लियर नहीं है कि कौन से रिवॉर्ड मिलेंगे, बट थोड़ा ही टाइम के बाद आप लोग को मैं सारी चीजें जो है बता दूंगा, और जो रिडीम कोड भी मिलेगा सबसे पहले आपको मैं हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। सो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, तभी आप लोग जो है भैया फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप की सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से ले पाओगे। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि जो फ्री फायर इंडिया नाम रखा गया है क्या उसको फ्री फायर भारत भी कर सकते हैं। सो G20 सबमिशन के टाइम पर दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत करके देखने को मिल रहा है। सो हो सकता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो फ्री फायर इंडिया का नाम भी यहाँ पे फ्री फायर भारत किया जा सकता है। और हाँ गाइस, फ्री फायर इंडिया के अंदर आप लोग को अंडर वाटर मोड भी देखने को मिलने वाला है, जो कि अभी तक का सबसे खतरनाक मोड होगा, जिसमें गाइस आप लोग पानी के अंदर गेम खेलोगे और एक दूसरे एनिमी को मारोगे। तो इसका अभी तक कोई वीडियो और फोटो वगैरह तो नहीं आया है, लेकिन भैया नाम से ही पता चल रहा है ये मोड जो है भैया बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप लोग को ये मोड का नाम सुन करके कैसा लगा?
लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं तो अभी से इमेजिन कर रहा हूँ कि हमारा जो करेक्टर है वो पानी में डूब जाएगा, सामने वाले एनिमी भी पानी में तैर करके एक दूसरे को फायर करेंगे, तो देखते हैं गाइस कैसा रहने वाला है। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि तनिष्क भाई फ्री फायर ने जो पीसी बैन किया था, मतलब पीसी प्लेयर को बैन किया था, क्या फ्री फायर इंडिया में पीसी प्लेयर चलेंगे? तो अभी तक ये तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फ्री फायर इंडिया के अंदर गाइस पेरेंट का सुपरविजन रहेगा, यानी कि अगर कोई 18 साल से कम का है तो पेरेंट्स का नंबर उसमें वेरीफाई किया जाएगा। और फ्री फायर इंडिया की खास बात यह है कि इसको कोई भी हैकर वगैरह हैक नहीं कर सकता है, ना ही कोई इसमें ग्लिचेस वगैरह यूज कर सकता है। सो फ्री फायर इंडिया के अंदर ये बहुत अच्छा हो रहा है। और आप लोग ने दोस्तों यहाँ पे फ्री फायर के मैप में ये साइकिल तो देखी होगी, तो क्या सच में हमारे फ्री फायर इंडिया के अंदर आपको साइकिल देखने को मिलने वाली है? सो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, अभी तक तो फ्री फायर इंडिया में साइकिल वगैरह का कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, बट अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। बाकी ये जो क्लिप आप लोग देखते हो फ्री फायर के मैप की, तो ये गाइस क्लिप है GTA का, जिसमें एडम चचा साइकिल को लेकर के घूम रहे हैं, तो ये रियल क्लिप नहीं है भाई, ये तो GTA का क्लिप है, आप लोग रियल मत समझना। और ना ही अभी कोई साइकिल वगैरह आने वाला है, ये भी अनाउंस नहीं हुआ है, बट अगर कुछ ऐसा होगा मैं आप लोग को जरूर अपडेट करूंगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो फ्री फायर के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी सर, उनका जो कॉलैब इवेंट आ रहा है वो कब से आने वाला है, और हमारा फ्री फायर इंडिया जो है वो कब लॉन्च होने वाला है, कंफर्म डेट क्या है? सबसे पहले आप लोग ये इवेंट देखो जो कि बाहर के सर्वर का इवेंट है, जो कि 18 सितंबर तक चलने वाला है। सो इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये इवेंट 18 को खत्म होगा, और 19 तारीख को दोस्तों आप लोग को थाला इवेंट देखने को मिलेगा। साथ ही जो हमारा फ्री फायर इंडिया है वो भी 19 सितंबर को लॉन्च किया जा सकता है, इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस बन रहे हैं। और हमारा जो धोनी सर का करेक्टर का लुक है वो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। देखने में भाई करेक्टर तो एकदम वॉरियर के जैसा लग रहा है, बाकी अभी इसका जो फर्स्ट लुक है वो निकल करके नहीं आया है, और इसका वीडियो वाला लुक जैसे ही आ जाएगा, एनिमेशन वगैरह भी आपको देखने को मिलने वाला है, वो भी आप लोग को मैं दिखाऊंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। बाकी दोस्तों अभी के टाइम पे जो कंफर्म डेट है मेरे हिसाब से 80 या फिर 19 सितंबर ही रहने वाला है, इस बीच हमारा जो फ्री फायर इंडिया है वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा, एंड इसके बाद आप लोग को फ्री फायर इंडिया का चैंपियनशिप भी देखने को मिलने वाला है, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार है। और इस बार का जो चैंपियनशिप होगा उसमें दोस्तों बहुत ही सारे आपको लाइव वॉचिंग के रिवॉर्ड देखने को मिलने वाले हैं। इसके आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर में आने वाले कुछ न्यू अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, जैसे कि हमारे फ्री फायर में आपको बुइया डे का इवेंट देखने को मिल सकता है, और साथ ही गाइस आप लोग को बुइया डे की थीम पर एक ग्रोजा का स्किन देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले दिनों पे आपको फिट व्हील के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी भी इसका कंफर्म डेट तो नहीं है, लेकिन इसी महीने गाइस आप लोग को ये वाला जो ग्रोजा का स्किन है आप लोग को आने वाले फिट व्हील में देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही दोस्तों आप लोग के जो बंडल हैं ये भी हमारे गेम में देखने को मिल सकते हैं, बाकी ये आएंगे रिंग इवेंट के अंदर। बाकी आपको मैं बता ही चुका हूँ कि और कौन कौन से इवेंट हमारे फ्री फायर में आने वाले हैं। अभी डेमन स्लेयर का कॉलैब इवेंट भी यहाँ पे पेंडिंग में रखा गया है, सो वो इवेंट भी दोस्तों इस महीने के एंडिंग तक आपको देखने को मिल सकता है, चांसेस तो यही निकल कर आ रहे हैं। बट यहाँ पे फ्री फायर इंडिया लॉन्च होने के साथ ही आप लोग को जो हमारा थाला इवेंट है वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, और हमारा हेलीकॉप्टर शॉट इमोट भी आप लोग को टॉप अप इवेंट में या फिर रिंग इवेंट में देखने को मिलने वाला है। बाकी इसके लिए गाइस आप लोग को डायमंड भी काफी सारे खर्च करने पड़ेंगे। बाकी आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे भी से नेक्स्ट वीडियो में।